नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आपने कैलाश पर्वत के बारे में तो जरूर सुना होगा। हाँ, वही कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का निवास स्थान है, जो तिब्बत में स्थित है। इस पर्वत पर जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कहते हैं यहाँ तक कोई भी पहुँच नहीं पाया। इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको वीडियो में पता लगने वाली है। लोग माउंट एवरेस्ट तक चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की चढ़ाई कोई नहीं कर पाया। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जो पर्वतारोही कम ऑक्सीजन वाला माउंट एवरेस्ट चढ़कर आ चुका था, उसके लिए कैलाश पर्वत चढ़ना किसी जोखिम भरा लग रहा था, जबकि यहाँ तो ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मौजूद थी। आधा पर्वत चढ़ने के बाद उस पर्वतारोही के पैर डगमगाने लगे, जैसे मानो कोई उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। यह हमारी कल्पना नहीं, बल्कि कई पर्वतारोही द्वारा बताई गई कहानियाँ हैं। यह हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब ये पर्वतारोही ऊपर जाते तब इनकी सांसें फूलने लगती, पैर डगमगाने लगते, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय छोड़ दिया उनका शरीर सामान्य हो गया। यानी पीछे मुड़ते ही उनके दिल की धड़कनें सामान्य हो गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपके मन में यही आ रहा है तो चलिए आपको बताते हैं इसी कैलाश पर्वत से जुड़ी 7 हैरान करने वाली बातें जो आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। नंबर 1, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता। वैसे तो कैलाश पर्वत पर दोस्तों कोई चढ़ नहीं पाया है, लेकिन कहते हैं कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन यह बात केवल उनकी रिपोर्ट में लिखी थी, जबकि मिलारेपा ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए ये भी एक रहस्य माना जाता है, क्योंकि मिलारेपा ने बहुत से अपने व्याख्यान दिए हैं, लेकिन उन्होंने इस यात्रा के बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया। इसलिए ये भी एक रहस्य ही रहेगा। नंबर 2, यहीं से क्यों होता है सभी नदियों का उद्गम? दोस्तों, कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है, जिनका नाम है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली। इन्हें नदियों से गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य कई नदियां निकलती हैं। नंबर 3, केवल पुण्य आत्मा ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत पर आम इंसानों का रहना तो दूर, यहां जाना भी जान को खतरे में डालने जैसा है। लेकिन रशिया के वैज्ञानिक जिन्होंने कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण के बारे में अध्ययन किया है, उनका कहना है कि तिब्बत के मंदिरों के धर्मगुरुओं ने बताया है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। नंबर 4, डमरू और ओम की आवाजें। दोस्तों, यदि कभी आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील वाले क्षेत्र में गए हों या जाएंगे, तो आपकी आवाज लगातार सुनाई देगी, जैसे आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन जब आप इस आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी लगेगी। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है जहां से ओम की आवाज निकलती है। नंबर 5, धरती का केंद्र। दोस्तों, हमारी धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी तरफ दक्षिण ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के धर्म का केंद्र है। नंबर 6, आसमान में लाइट का चमकना। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें चमकती हुई दिखाई देती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता होगा। यहाँ एक चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। नंबर 7, स्वर्ग की सीढ़ियां, अनोखी दुनिया। हिमाचल में यमराज के मंदिर से आगे बढ़ने पर स्वर्ग जाने का रास्ता है। रावण की भक्ति को माने तो वहां स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। कुबेर की तपस्या से देखें तो मानस केंद्र है। वैज्ञानिकों के नजरिए से देखें तो कैलाश एक बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव रेडिएशन वाला पहाड़ है। नंबर 8, पिरामिड नुमा क्यों है पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। दोस्तों, अगर आप कैलाश पर्वत की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद कठिन है। यहां पहुंचने के लिए भक्त को अनेक कठिनाइयों से गुजरना होता है। यह स्थान पूरी तरह से बर्फ से ढका है और यहां कड़ाके की सर्दी पड़ती है। कैलाश अपने आप में एक अनोखा स्थान है। सूर्य की पहली किरणें जब कैलाश पर्वत पर पड़ती हैं तो यह पूर्ण रूप से सुनहरा हो जाता है। नीचे या दूर से देखने पर आपको एहसास होगा कि आप किसी ऐसे पर्वत को देख रहे हैं जो पूरी तरह सोने या गोल्ड से बना हुआ है। यह नज़ारा बहुत ही अलौकिक होता है। देवी पार्वती के साथ कैलाश पर
शिव का निवास होने के अनेक प्रमाण भी मिलते हैं, जिनका उल्लेख पुराणों में भी है। ऐसा भी कहा जाता है कि शिव पार्वती का घर होने की वजह से यहाँ अनेक साधु संत तप करने आते हैं और युगों तक साधना में लीन रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।